FM तड़का बहुत लंबे अरसे से आपसे कह रहा था कि हम कुछ नया करने वाले हैं आपके लिए, और देखिए हम नए हो गए. FM तड़का अब आपसे कहता है कि अपनी सुनो. मैं हूँ रेडियो की सुपर गर्ल करिश्मा, और रोज़ शाम 5 बजे से आप मुझे सुनते हैं FM तड़का पर. और जैसा कि अपनी सुनो हम कह ही रहे हैं आपसे, इसी के चलते हम ढूंढ रहे थे ऐसे लोगों को जिन्होंने सच में अपनी सुनी और वो किया जो सही था. ना सिर्फ उससे उनकी ज़िंदगी बदली बल्कि आपकी मेरी भी ज़िंदगी बदली. मेरे साथ इस टाइम ऐसे ही एक शख्स हैं, नाम है इनका राकेश खत्री. और सर के बारे में मैं जितना भी बोलूं उतना ही कम है सर, क्योंकि अचीवमेंट्स इतने सारे हैं. लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम ऑलरेडी दर्ज है, किताबों में नाम दर्ज है, जो कि एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो जीते जी किताबों में शामिल हो चुका है. हाउस ऑफ कॉमन लंदन ने भी इन्हें सम्मानित किया है. और सम्मान गिनाने अगर मैं बैठूंगी ना तो सर शायद मुझे लगता है कि हमारा ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा इंटरव्यू का जी. लेकिन सर जो काम करते हैं वो आपके सामने है, और ये आम नहीं है, ये खास है. क्योंकि आशियाना छीन तो हर कोई लेता है, पर देता हर कोई बिल्कुल भी नहीं है. सर आप जो काम करते हैं वो देश भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इस टाइम रिकग्नाइज किया जा रहा है. चिड़ियों को घर देते हैं, घोंसला देते हैं. सर आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं, और प्लीज़ हमारे लिसनर्स के लिए, स्पेशली हमारे व्यूवर्स के लिए. अगर मैं फिल्म के फ्लैशबैक की तरह शुरू करूं तो मुझे याद आता है कि 4 या 5 साल का छोटा सा बच्चा था जो चांदनी चौक के अंदर रहता था, एक मकान के अंदर. और मेरे घर के ऊपर उस ज़माने में टीन की शेड वाली छतें हुआ करती थी, उसके बीच में चिड़िया बहुत आती थी. दोपहर को स्कूल से आने के बाद हमारा सबसे बेस्ट जो काम होता था वो ये होता था, एक टोकरी हम लोग कहीं से ले आए थे, उसके अंदर एक डंडी लगाते थे, उसमें थोड़ा सा दाना डालते थे, और उस डंडी पे एक रस्सी बांधी हुई थी. चिड़िया दाना खाने आती थी और हम डंडी खींच दिया करते थे, वो टोकरी में बंद हो जाती थी, हाथ डाल के उसको पकड़ते थे. तो बड़ी सिस्टर, मम्मी या उन सब का जो भी मेकअप का थोड़ा बहुत सामान, उस ज़माने में इतना मेकअप नहीं होता था, लेकिन जो भी सामान होता था वो पहले से ला के रख लेते थे, और उस चिड़िया को पकड़ के खूब सजाते थे, उसकी चोंच को, कलर, पंखों को, और फिर उसके बाद उसको उड़ा दिया करते थे. फिर शाम को जब हिसाब किताब ऑडिट होता था हमारा, हमने पूरे दिन क्या करा, तो कान भी खींचे जाते थे, एक आध लपड़ भी पड़ जाता था. वो दिन था कि मेरे को चिड़ियों से थोड़ा सा लगाव हुआ, और मुझे नहीं बिल्कुल अंदाजा था कि जिस चिड़िया को हम उड़ाते हैं वो देखते देखते हमारी ज़िंदगी से ऐसी उड़ जाएगी कि उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. और वो हुआ. जब वहाँ से हम लोग शिफ्ट हो गए तो अशोक विहार चले गए थे, बिल्कुल कॉन्क्रीट के मकान थे, DDA के मकान, और उसके कॉरपोरेशन के मकान बने हुए थे. उसके पीछे पूरा 10 एकड़ का अमरूद का बाग था. तब भी हमारा रूटीन वही था कि सारा दिन बाग में बैठो, खेलो, चिड़ियों को देखो और वापस घर आ जाओ. तब थोड़ा थोड़ा नोट करना शुरू करा कि अचानक चिड़िया गायब हो रही है. तब हालांकि इतना बड़ा टाइम नहीं था, 90 के दशक की बात है, तब तक बादल रास्ता भूलने लगे थे, बारिश कम होने लगी थी, मोर अपना टाइम भूल गया था कब गाना है, वो बेसुर बे टाइम पे गाता था. धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज होती जा रही थी. बारिश जो पहले 7-7, 8-8 दिन आती थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही. बड़े बड़े शब्द आ गए, क्लाइमेट चेंज आ गया, ग्लोबल वार्मिंग आ गई, समझ में किसी को नहीं आता था, लेकिन इसी कमरों में बैठ के सब करते थे. तब फिर दिमाग में एक बेचैनी रहती कि चिड़िया गायब कहाँ हो गई, इसके लिए कुछ करा जाए. करना शुरू करा. पहले नारियल, उस टाइम दिल्ली में हरा नारियल आना शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने हरे नारियल इकट्ठे करे. एक दिन सारे लड़कों का ग्रुप बनाया, उसको खाली करा, उसके अंदर अखबार ठूस दिए खूब सारे, और उसके चारों तरफ कूलर आ चुके थे, तो कूलर के साइड में जो घास लगी होती है वो लगा के, और हम लोगों ने उसके घोंसले बनाए. उसमें एक ब्रश जो होता था टूथब्रश, उसका आगे के ब्रिसल्स काट के और वो डंडी लगा दी, और उसको पेड़ों पर लगाना शुरू करा. कोई सफलता नहीं मिली, कोई चिड़िया नहीं आई उसमें. थोड़े दिन में वो नारियल सूख के झरझरा के नीचे गिर पड़ता था, तो बड़ा परेशान, क्या करें. तभी एक दिन चिक बनाने वाले को देखा, तो मैंने उससे बात करी. मैंने कहा आप इसको, चिक को ऐसे राउंड शेप में बना सकते हो? उसने कहा तो बड़ा महंगा बनेगा, बहुत महंगा पड़ेगा. मैंने कहा अच्छा आप बनाओ. उसने मुझे 20 के करीब सेट बना के दिए, तो उससे मैंने 5 घोंसले टाट वगैरह सब बांध के, भूसा जैसे ये रखा हुआ जूट ऐसे बांध के घोंसले लगाए. तो जिस जगह लगाया था मैंने वहाँ पे हम लोग रोज़ जाके बैठते थे. 3-4 दिन तक मैं बैठा रहा अपना कैमरा लेके, कैमरे थे मेरे पास, फोटोग्राफी करता था. तो बैठते थे, लोग कहते थे यार पता नहीं ये आदमी आके और कैमरा लगा के बैठा रहता है, कुछ होता तो है नहीं, तो लोग पागल होगा. 4th दिन मैंने देखा कि मेल जो चिड़िया होता है, जो चिड़िया का मेल होता है, वो आया. उसने घास का बड़ा सा तिनका उठाया और वो सीधा उसमें चला गया.
घोंसले में, वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। मुझे लगा कि जैसे वो शायद आइंस्टीन के बारे में कहते हैं कुछ गिरा था या क्या हुआ था, चिल्लाया था, सेब गिरा था, का जो भी था, वो मुझे लगा कि ये अपनी जिंदगी का सबसे सक्सेसफुल कदम हो गया। उसके बाद तो फिर रवानगी शुरू हो गई उसकी, चिड़िया का जाना, चिड़िया का आना, चिड़िया का जाना, चिड़िया का आना। मैंने उठ के ताली बजाई तो मुझे अच्छे तरीके से याद है वो जो मोहल्ला था छोटा सा जहाँ वो लगाया था, वहाँ के लोग बहुत खुश हुए, उन लोगों ने लड्डू खिलाए कि अच्छा चलो जी ये सफल हो गया अब हम लगाएंगे। और वो पहली बार था कि उन लोगों ने शायद 70 के करीब घोंसले बनवाए और अलग अलग घरों में सब जगह लगाने शुरू करे। कुछ ने लकड़ी के बनाए, कुछ को जो सामान नहीं मिल पाया था वो चेक वाले का, तो हम लोगों ने जो पुराने जूते के डिब्बे होते हैं उसको होल करके उसके ऊपर कूलर की घास लपेट के उनको लगाया, वो अडॉप्ट हो गए। वो शायद दिन था, उसके बाद वो चल निकला। फिर मैं गड़ी मांडू के अंदर एक प्रोजेक्ट करता था वजीराबाद के पास एक जगह, तो वहाँ एक बुरा माली था, तो मैं वहाँ बैठ के यही घोंसले बना के ले जाता था, पेड़ पे लगाता था। मेरा मन था कि इसमें कोई बुलबुल या और कोई दूसरा पक्षी आ जाए, चिड़िया वहाँ थी नहीं। अच्छा, चिड़िया क्योंकि वो वाली गौरैया जो थी वो नॉर्मली घरों के आसपास मिलती है। अच्छा, तो मैंने सोचा बुलबुल आ जाएगी, तो वो देखते रहते थे, रिटायर उन्हीं की अर्ज पे थे, मुस्लिम थे वो। तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, कहने लगे ये 101 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ अपनी जेब से निकाल के, पुराना साइड नोट था। मैंने कहा ये किस खुशी में, बोले आप उनको घर दे रहे हो जिनका घर हमने छीन लिया था। और एक बात याद रखिएगा, ये 2008 की बात है, उन्होंने कहा आपके पास इतनी बरकत आएगी कि आप खाली नहीं बैठोगे। और करिश्मा 2008 से आज 2019 आ गया, मुझे कई बार, जबकि मेरा प्रिय शौक ये है कि मैं 2 बजे अपना काम बंद कर दूँ 3 बजे और आके सोफे पर आराम से साउथ की डब करी हुई फिल्में देखूँ क्योंकि उसके फाइट सीक्वेंस अच्छे होते हैं, लेकिन मैं उसके बाद खाली नहीं बैठा। कुदरत ने भी और उनकी बरकतों ने इतना साथ दिया खुदा की कि खाली नहीं बैठा। और घोंसला मैंने सिर्फ इसलिए चुना था कि मुझे ये लगा घोंसला एक बचपन से अल्फाबेट की किताब में भी होता है और हर घर जहाँ घोंसला बन जाता है, पहले वो पंखों के अंदर स्विच बोर्ड में बनाती थी, तो लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि अरे यार देखें चिड़िया कब आती है, बच्चे कब निकलेंगे। हमारे यहाँ नॉर्मली पुराने घरों में क्या करते थे, पहले पंखा बंद कर देते थे अगर चिड़िया आती थी, कि पंखे से कट के मर ना जाइए, वो ध्यान रखते थे। अब तो सबका दिल छोटा हो गया, मॉड्यूलर घर बन गए, खिड़कियाँ बंद हो गई, जबकि बुजुर्गों ने हमेशा ये कहा है कि घर के अंदर एक रोशनदान खोल के रखो जिससे आवाजाही बनी रहे। आवाजाही सिर्फ चिड़िया के लिए नहीं, हर चीज के लिए, रिश्तों में भी है वो। मुझे लगता है कि अब हमने थोड़ा सा दिल अपना छोटा कर लिया, जो हाउस पैरो थी उसको घर में आने से ही रोक दिया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुझे भरतपुर में मिली जब मैंने एक फोटोग्राफ करी थी, एक शीशे के स्टील का बहुत बड़ा दरवाजा था शीशे का, उसके बाहर एक चिड़िया बैठी हुई उसको देख रही है। तो मुझे लगा कि शायद ये एक जिंदगी का रास्ता है जो ये चाहती है कि कुछ करा जाए। वो दिन मैंने गांठ बांध ली, वो 2009 की बात है। उसके बाद मैंने सोचा मैं बच्चों को सिखाऊंगा, नेचर से जोड़ूंगा और उनको कहूंगा कंजर्व करो। तो कह सकते हैं कि वो टाइम था जब आपने अपनी सुनी और उसके बाद आप निकल पड़े इस रास्ते। मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं सच बताऊं तो लोगों ने बहुत मुझसे कहा कि बेकार का काम है, चिड़िया आपने घोंसला खुद बनाती है, आपके घोंसले में क्यों है? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और इनफैक्ट सर आप बता रहे थे कि कोई एक ऐसी चिड़िया है जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी आपने कुछ घोंसले लगाए थे। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उन लोगों ने मुझसे एक जंगल के अंदर कुछ वहाँ के स्टाफ के लोग आए थे, उन्होंने करा। बिल्कुल, एक कबूतर सरी का एक पक्षी है जो बहुत कम मिलता है देखने को उस एरिया में, लेकिन उसने 45 के 45 घोंसलों पे अपना घर जमा लिया है। कब्जा, अरे वाह। और एक बार नहीं, मार्च में इनका ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है, वो तीसरी बार उसके अंदर अंडे दे रहे हैं, अलग अलग पक्षी आके, एक खाली करता है, एक दूसरा आ जाता है, मतलब उनका सेट हो चुका है। देखिए, उनके लिए चिड़ियों के लिए घर की कमी इसलिए कि हम लोकल पेड़ नहीं लगाते, जगह बंद है। Actually. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखना है तो मयूर विहार के टोल प्लाजा पे चले जाइए, आप बर्ड हाउस लगाइए, अगले दिन आएंगे तो उसमें चिड़िया बैठी होगी, बताइए। इससे बड़ी और सेटिस्फेक्शन क्या नहीं हो सकता। इनफैक्ट सर हमारे पास अभी कुछ घोंसले रखे भी हुए हैं, ये अलग अलग टाइप के घोंसले हैं, इनके बारे में कुछ बताइए हमें कि ये कैसे बने। जूट का बना हुआ है जो बच्चे बनाते हैं अपने साथ, बच्चे बनाते आपके साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आपके फाउंडेशन के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं जिस भी स्कूल में वर्कशॉप करता हूँ या कम्युनिटी के साथ करता हूँ वो लोग बनाते हैं, हम उनको सामान दे देते हैं। और ये सामान भी स्पेशलाइज है थोड़ा सा, इसके संग एक बड़ी टची स्टोरी है कि कुछ एसिड अटैक की लड़कियाँ हैं, उनका मैं नाम उजागर नहीं करना चाहूँगा और उनका जगह भी जहाँ रहती हैं, हम उनको सारा सामान दे देते हैं, वो लोग हमें पैकेट बना के दे देते हैं, वो उनको हम उसका पूरा पैसा दे देते हैं। ये घोंसले का जो पैसा आता है ये इको रूट फाउंडेशन या मेरी संस्था से जुड़े किसी आदमी के लिए काम नहीं आता, ये उन बच्चों के लिए चला जाता है जो अंडरप्रिविलेज्ड हैं, जिनको हम सिखाते हैं, उनको साल में एक बार हम लोग नेचर में घुमाने ले जाते हैं,
अलग अलग ग्रुप बना रखे, मतलब आप एक काम से बहुत लोगों की जिंदगियों को टच कर रहे हैं देखा जाए तो। वही मैंने सुना था जो मुझे करना है और वही मैंने करा। मैं बहुत सक्सेसफुल कैरियर करता था अपना, फिल्में बनाता था, मैं कॉर्पोरेट में भी काम करा, मैंने एक बहुत बड़ी हिंदुस्तान की कंपनी में जो शायद सबसे रईस कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने मन की वही सुननी चाहिए जैसे हर एक बच्चे के मन में होता है कि मुझे कुछ करना है। अच्छा, मेरे घर में क्योंकि मैं सबसे बड़ा मैं ही था, फादर नहीं थे, तो घर में कोई ऐसा भी नहीं था कि मुझे ये माउंटेन करता कि चलिए मैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या ये बनना है। सर ये वाला जो घोंसला है काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ये बच्चे ही पेंट करते हैं, तो ये चिड़ियों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है क्या? चक्कर है क्योंकि इट इज सो ब्यूटीफुल, वो बनाया ऐसे कि थोड़ा सा अच्छा हो जाए। अच्छा, और ये वाला बहुत ये 100% रिसाइकल मटेरियल से बनाया है, जो टेट्रा पैक और रियल फ्रूटी आप पीते हैं ये उनके डिब्बों को क्रश करके जो उससे बनाया गया है। वेस्ट मटेरियल से हम कहते हैं कि घर का वेस्ट मटेरियल है, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल का ही। तो इस टाइम अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ऑल ओवर इंडिया आपके कितनी ब्रांचेस हैं आपकी फाउंडेशन? मेरे पास करीबन 13 शहरों के अंदर मैंने छोटे छोटे ऑफिस एस्टेब्लिश करे हैं। okay. और अगर वन मैन आर्मी सोचें जो हमारे साथ काम मिलते ही शुरू करते हैं वो करीबन 44 शहरों में, 44 वन मैन आर्मी अगर। और आपके साथ बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं, देश का फ्यूचर। हाँ, मतलब जैसे मैंने पहला पैनासोनिक का जब थिएटर किया था क्लाइमेट चेंज पे, तब 112,000 बच्चे जुड़े थे, और जो अभी मैंने लास्ट कराया वो वाटर कंजर्वेशन पे किया है, रोल ऑफ वुमेन इन वाटर कंजर्वेशन, नीर और नारी, तो उसके अंदर करीबन 94,000 लड़कियों ने 17 शहरों के अंदर मुझके काम किया थिएटर मेरे साथ। तो सर देखिए, अभी ना हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन बहुत सारे लोग इस टाइम जो हमें देख रहे हैं उनको ना अच्छा बहुत लगता है कि हम भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं, बट वो एक स्पार्क उनको नहीं मिलता या वो एक चीज़ जो उन्हें मजबूर नहीं करती कि ये करा जाए। आप एक ऐसी बात जो आपको लगता है कि आप उनको कहेंगे और वो इस काम से जुड़ने के लिए, यू नो, दे विल आल्सो थिंक कि हाँ, यस, आई हैव टू डू दिस। मुझे लगता है उन सब लोगों को एक बार शीशे के सामने खड़े होकर ये जरूर सोचना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि वो समाज के लिए उन्होंने अब तक ऐसा कौन सा काम किया जिससे कुछ बढ़ावट हुई, डेवलपमेंट हुई। और मुझे लगता है वही एक आंसर उनको मिलेगा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। सो ऐसा होना चाहिए जज्बा। अगर आप कहते हैं कि आप अपनी सुनते हैं तो सुनिए, बेशक सुनिए, लेकिन ऐसा कुछ करिए भी, जैसे कि राकेश खत्री सर ने किया, आप भी कर सकते हैं। बस इतना ही तो करना है कि अपनी सुननी है। सुनते जाइए FM तड़का, स्टे ट्यून्ड। औरों को छोड़ खुद को चुनो, अपनी सुनो।